धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, जिसकी जितनी आयु हुई है, अपने बीते हुए जीवन को सबने जिया है, और हर आदमी अपनी समझ के अनुसार बढ़िया जीवन जिया है। कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने अपने जीवन को गलत ढंग से जिया या मेरे जीवन जीने की शैली गलत है। हर आदमी मानता है कि मेरी समझ बड़ी अच्छी है और मैं अपने जीवन को बड़े अच्छे ढंग से जी रहा हूं। अच्छी बात है। जरा सोचें कि बीते हुए जीवन में आपने क्या पाया और क्या कमाया, आपकी पूंजी क्या है, किस चीज की पूंजी आपके पास है। जो जिया है अब तक उसमें आपने क्या किया, ये विचारणीय प्रश्न है। आप ये कह सकते हैं कि मैंने इतना बड़ा मकान बना लिया, इतनी बड़ी दुकान मैंने बना ली, या इतना बड़ा व्यापार मैंने फैला लिया अपना, मैं एक अच्छे पद पर नौकरी कर रहा हूँ, अपने बच्चों को मैं अच्छी पढ़ाई करवा रहा हूँ, मैं एक नेता बन गया या अमुख बन गया, अच्छी बात है। लेकिन सारी की सारी कमाई बाहर की कमाई है, और कहना चाहिए नकली कमाई, नकली पूंजी है। ये पूंजी काम ना आएगी, जितना जीवन जिया है उतने जीवन में अब तक मन की स्थिति कैसी है, मन प्रसन्न है या अप्रसन्न है, पहले की अपेक्षा प्रसन्नता बढ़ी है या घटी है, दुख घटा है या बढ़ा है, मन तनावग्रस्त है या सरल है, शांत है, धन बढ़ता गया, पद बढ़ता गया, प्रतिष्ठा बढ़ती गई, अब बहुत सारी चीजें बढ़ती चली गई, किंतु मन उलझता गया, बिखरता गया, चंचल होता चला गया, चिंता भय तनाव से भर गया मन, तो आपने कुछ भी नहीं पाया बल्कि अपने को खो दिया। हमारा मूल धन, वास्तविक धन हमारा मन है, और वही बिखरा हुआ है, वही चंचल बना हुआ है, अशांत बना हुआ है, तो बाहर की पूंजी किस काम की, तुरंत दिखावा है। धन तो बढ़ गया, लेकिन क्या वो धन आपको नींद दे रहा है, वो धन आपको कौन सा सुख दे रहा है। यदि रात में नींद नहीं आ रही है, करवट बदल रहे हैं,
तो धन किस काम का जो आपकी नींद को खराब कर दे? वह धन किस काम का जो आपको अपने परिवार के साथ बैठने के लिए समय ही न दे? ये काम करना है, ये काम करना है, ये व्यापार, इस व्यापार से मिलना है, इस नेता से मिलना है, इस अफसर से मिलना है, इस पार्टी में जाना है। आपके पास सबसे मिलने के लिए, नेताओं के मिलने के लिए समय है, अफसरों के मिलने के लिए समय है, पार्टियों में जाने के लिए समय है और बहुत कुछ के लिए समय है, किंतु आपके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है, तो सारा सब कुछ बेकार है। न माता पिता के पास बैठ पाते हो, न पत्नी के पास, न बेटे के पास, न भाई के पास, न किसी और के पास, जो आपकी जीवन यात्रा के साथी हैं, सहयोगी हैं, उनके लिए आपका समय नहीं है। तो फिर वो धन, वो पार्टी, वो व्यापार, वो अवसर और नेता आपके किस काम के आएंगे? परिवार में रहते हैं, परस्पर में संवाद नहीं है, विवाद है, मिलजुल करके एक दूसरे अपने भावनाओं को शेयर नहीं कर सकते, विचार विमर्श नहीं कर सकते, तो कौन सी कमाई आपके पास में है? इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। मैंने कहा था धन का नुकसान नुकसान नहीं है, पद का नुकसान नुकसान नहीं है, प्रतिष्ठा का नुकसान नुकसान नहीं है, मन का बिखर जाना, मन का अशांत रहना, मन का चिंतित और दुखी बने रहना, यह नुकसान है। सारा नुकसान सहन करके यदि हम मन को प्रसन्न बना करके रख सकते हैं, मन स्वस्थ है, शांत है, संतुष्ट है, तो जानो कुछ नुकसान नहीं हुआ है। और बाहर बहुत बड़ा लाभ हो गया, बहुत बड़ा लाभ हो गया, खूब पूंजी इकट्ठी हो गई और मन बिखर गया है, तो कोई भी लाभ नहीं हुआ है, सारा लाभ केवल दिखावा बन करके रह जाए। इसलिए मन पर ध्यान देने की जरूरत है, मन मूल है, जैसा मन वैसा जीवन। अभी श्री गुरुदेव बता रहे थे, विचार परिवर्तन ही मानो जीवन परिवर्तन है। जीवन क्या है? ये एड़ी से चोटी तक दिखाई पड़ने वाला जो शरीर है, यह जीवन नहीं है, शरीर है। जीवन है गतिविधि, और गतिविधि कैसे होगी? विचार के अनुरूप। विचार गलत है, गतिविधि गलत हो जाएगी, गतिविधि गलत भी जीवन गलत हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। विचार संयम है, सुंदर है, गतिविधि संयम होगी, सुंदर होगी, गतिविधि संयम सुंदर होगी, तो जीवन सुंदर हो जाएगा। शरीर को हम जीवन नहीं कर सकते, शरीर से जो कुछ कर रहे हैं जीवन हुआ है, उसी से जीवन बनता बिगड़ता है। उसके मूल में है हमारा मन। इसलिए मन को सदैव केंद्र में रखने की आवश्यकता है। किसी भी हालत में हमारा मन बिगड़ने न पाए,
विभाग यह है, हम सबको संभालते, सबको संभालते हैं, सबकी सुरक्षा करते हैं, सबकी चिंता करते हैं, जो हमारे सुख का आधार है, हमारी प्रसन्नता का आधार है, और कहना चाहिए हमारे शांति, हमारे कल्याण का आधार है मन। उस मन को हम संभाल कर रख नहीं पाते, उस मन की सुरक्षा नहीं कर पाते, समय बीतता गया, उम्र बीतती गई, मन बिगड़ता चला गया। और दुख का कारण यही है, बड़े बड़े संपन्न लोग हैं, बड़ी प्रतिष्ठा है बाहर, बड़ा बड़ा वैभव है, बुढ़ापा आ गया है और अशांत बने बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कमरे में पड़े हुए हैं, अशांत बनकर बैठे हुए, क्योंकि जीवन भर जो कुछ उन्होंने किया है और संस्कार सामने आ रहे हैं, तो बाहर की चीजें क्या करें। आप चीजों बढ़ाते हैं, धन बढ़ाइए, पद बढ़ाइए, प्रतिष्ठा बढ़ाइए, दुकान व्यापार बढ़ाइए, खेती बाड़ी पर बढ़ाइए, सबको बढ़ा लीजिए, किंतु मन को छोटा न रखें। ऐसे मन छोटा रखने का अर्थ है यहाँ पर, सब बड़ा हो गया, मन छोटा हो गया, मतलब मन चिंतित हो गया, तनाव से भर गए, तो कोई फायदा नहीं। बड़ा मन कर बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं, बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें सोचना नहीं। बड़ा मन का है निर्मल मन, निर्विकार मन, शांत मन। काम यही है, और मन ही यदि शांत नहीं है, मन ही निर्मल नहीं है, तो धर्म की कमाई क्या होगी, अधर्म को हम कैसे समझ पाएंगे। जीवन को जो मूल उद्देश्य है हम उसे समझ कैसे पाएंगे, उसे प्राप्त कैसे कर पाएंगे। इसलिए मन को संभालना है, मन ही मूल है। सतगुरु कबीर ने कहा, एक साधे सर्व साधिया।